यार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो आप ये वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, हमारे एलजी की 9 kg की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर मॉडल। और अभी हम लोग इसको करेंगे इंस्टॉल। इसका फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है, और आपको इसका बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है, तो ये वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए और बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। फर्स्ट हम लोग को बॉक्स कट नहीं करना, ऐसे बॉक्स को ऊपर के साइड खींचेगी तो हमारा बॉक्स इसका प्रॉपर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर की जो पैकिंग है, उस पैकिंग को हमें उसी बॉक्स के अंदर डाल देना है, क्योंकि कचड़े इधर उधर फैलाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अभी हम लोग बात करेंगे इसमें जो आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। ये आपका AI वॉश है जो ऑटोमेटिक आपको आइडेंटिफाई करेगा कपड़े का। दूसरा हमारा सिक्स मोशन DD, सिक्स मोशन मतलब कपड़े को सिक्स टाइप का, इसका डम्बलिंग प्लस आपका रोलिंग, ये सारी चीज़ें। DD मोटर डायरेक्ट ड्राइव मोटर यूज़ है, स्टीम आपको यूज़ हो जाएगा, इनबिल्ट हीटर भी है, टर्बो वॉश है, और LG थिंक्यू जिसे वाईफाई से आप ऑपरेट कर सकते हो, स्मार्ट डायग्नोसिस है, और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी इसके बाद हम लोग इसके डोर को इस तरह से ओपन करेंगे और इसके अंदर इस थर्माकोल को निकाल देंगे। थर्माकोल को निकालने का पर्पज़ ये रहेगा कि चूंकि इसके डोर की सेफ्टी क्लियर रहता है। बाकी जो एसेसरीज़ आपको मिलेगी कुछ इस तरह से हैं, बाकी एसेसरीज़ को हम लोग साइड्स पे निकाल कर रख देंगे। और ये जो इसका पल्थिएटर है, वो इनलेस पल्थिएटर स्टील आपका का पल्थिएटर। और अभी हम लोग इसमें फीचर्स के बारे में जानेंगे। वॉशिंग की जो कैटेगरी, इधर आपका ये पूरा ये साइड पर आपका ऑन ऑफ की बटन के बाद ये पूरा वॉशिंग वाला प्रोग्राम है जो कि आप यूज़ कर पाओगे। इसके बीच में आपको जो चीज़ें आपको एडिशनल ऐड करेंगे, यहाँ पे वाईफाई, ये सारी चीज़ें शो होगी। और इसके बगल में जो है, जो आपको एडिशनल ऐड करना है कुछ एक्टिव। जैसे सर, अभी ये वॉशिंग मशीन को आपको यूज़ करना है, फर्स्ट यहाँ से आपको पानी ऑन कर लेना है ऐसे, दूसरा आपको स्विच ऑन कर लेना है। स्विच ऑन करने के बाद ये डोर जो आपका हाइड्रोलिक है, इसको ओपन कर लेना है और कपड़े आपको इसके अंदर डाल देने हैं। कपड़े आपको जो डालने हैं, डालने से पहले आपको कपड़े को चेक कर लेना है कि उसके अंदर कॉइन ना हो, सिक्का ना हो, कुछ चाबी ना हो, बाकी ये सारी चीज़ें, पैसा ना हो, ये सारी चीज़ को रिमूव करके इसके अंदर आपको डाल देना है। जब ये डालना, तो आपका जो ये 100% ड्रम है, इसमें आपको सिर्फ 70% कपड़े डालने हैं, 30% आपको खाली रहना है। खाली रहेगा तो कपड़े एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी करेंगे और बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर वॉशिंग होगी। कपड़े डालने के बाद आपको डिटर्जेंट आपको यहाँ पे डाल देना है, ये चैम्बर में डालने के बाद आपको बंद कर देना। कपड़े आपने डाल दिए, यहाँ पे डिटर्जेंट डाल लेना है, और अगर शॉपनर अगर आपको यूज़ करना है जैसे कंफर्ट, ये सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे ये चैम्बर में आपको डालना है। और कभी इसको क्लीन करना है तो इधर से ऐसा प्रेस करेंगे, ये तो आपका ये टोटल बाहर आ जाएगा। इसको बाद में जब भी कभी 10 दिन या 15 दिन में कभी आपको लगे कि ये गंदे हो गए, सर्फ इसमें जमा हो गए हैं, तो आप इसको निकाल के क्लीन कर सकते हैं। बाकी ये हमारा जेट स्प्रे है, जब भी हमारा वॉशिंग चलेगा तभी पानी जो है ऊपर से प्रेस करेगा, जो कपड़े के अंदर जो मैल होगी ये सारी एक्टिव रहेगी ना, उसके ऊपर पानी पड़ेंगे तो सीधा निकल जाएगा। उसके बाद जब भी आपका वॉशिंग स्टार्ट करने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आफ्टर वॉश, तो यहाँ पे एक फ़िल्टर आपका लगा हुआ, ये वाला फ़िल्टर बड़ा फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर को आपको जब भी वॉश हो जाएगा तो ऐसे निकाल के साफ करेंगे, निकाल के आप साफ़ करेंगे तो ये पूरा इसके अंदर रेसे धागे ये सारी चीज़ें फंसी रहेंगी। इसको आप निकाल के बराबर साफ़ करते रहोगे तो कभी भी आपके कपड़े के अंदर जो स्टेन आते हैं वाइट वाइट करके, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो बड़ा ये फ़िल्टर है, इसको आपको फिर ऐसा प्रेस कर देना है। और ये पूरा जो अंदर का जो आपका पल्थिएटर है, काफ़ी पावरफुल पल्थिएटर है, जो कि इसमें हीटर लगा हुआ है, इसके लिए ये पूरा आपका स्टेनलेस स्टील का है। कपड़े को डालने के बाद आपको ऐसा छोड़ देना है, तो आपका ये हाइड्रोलिक डोर है प्रॉपर इस तरह से बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आपका लॉक भी है। नॉर्मल टॉप लोडिंग में क्या होता था, आप कभी भी खोल सकते थे, कभी बंद भी कर सकते, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जब डोर बंद हो जाएगा, जब तक यहाँ से आप पोश नहीं करोगे तब तक ये डोर ओपन नहीं होगा। आपने बेसिक बेसिक सारा काम कर लिया, अभी आपको यहाँ से ये वाले बटन से वन टाइम ऐसा प्रेस करेंगे तो आपका वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगा। सबसे बेसिक क्या होता है, जैसा आपने दबाया ऑन हो गया, आपको नहीं पता कौन सा कपड़ा है कैसा है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट दबा देना है। बाय डिफ़ॉल्ट कपड़े को जो है अपने आप से सब कुछ डिटेक्ट करेगा, कितना कपड़ा है, वाश, रिंस, स्पिन सब कुछ करेगा। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक रहता है। बट कभी आपको जैसे कपड़े जो है, कपड़े कुछ कैटेगरी वॉश होता है, तो आपको वो कैसे करना है, फर्स्ट यहाँ से वॉश करना, अगर नॉर्मल रोज़मर्रा के कपड़े हैं तो उसके लिए आप यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये आपका एलर्जी केयर, जैसे आपके घर में कोई आदमी बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसके बेडशीट में पिलो हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए एलर्जी केयर है। उसमें क्या होगा कि हमारा स्टीम वाला सेक्टर, ये आपको जैसे दिख रहा है, ये स्टीम ऑन होगा और ये पानी का टेम्परेचर आपका 60 डिग्री तक इंक्रीज करेगा, और उसके अंदर स्टीम जनरेट होकर जो उसके अंदर बैक्टीरिया होगी उसको 99% किल कर देगा और कपड़े एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपको सिर्फ मतलब उस मेडिकल टाइप के कपड़े के लिए आपको यूज़ करना है। AI वॉश
इसमें जब भी आप कपड़े डालोगे तो कपड़े के अंदर की कैटेगरी क्या है ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट नहीं करना, ये AI वॉश आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ों को सेट करेगा, कितना टाइम लगेगा क्या रहेगा सब कुछ आपको इधर पे शो कर देगा। इसके बाद जो आपका ये है जेंटल, जेंटल में आपके पार्टी वेयर के कपड़े हो गए, साड़ी हो गए, ब्लैंकेट हो गए, ये सारे कपड़े आपको इसमें जेंटल वॉश करना है, क्योंकि इसमें जो कपड़े का जो वॉश की स्पीड रहेगी, स्पिन की स्पीड रहेगी वो कम रहेगी, वॉशिंग सॉफ्ट होगी और कम टाइम भी आपका लगेगा, ये 48 मिनट के अंदर कंप्लीट करेगा। बाकी इसके बाद आपका ये जो होता है ये आपका क्विक वॉश है। कभी क्या होता है आपका 1 किलो या 2 किलो कपड़े बहुत कम गंदे हैं और आपको जल्दी चाहिए, तो उसके लिए आपका ये क्विक वॉश रहेगा। क्विक वॉश समथिंग 20 से 25 मिनट के अंदर आपका पूरा कंप्लीट करके देगा। डाउनलोड साइकिल में आपका जब भी डाउनलोड साइकिल में आपका जो 1 घंटा 38 मिनट का टाइम करेगा। और इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि अभी यहाँ से डाउनलोड हो गया, डाउनलोड के साथ साथ इसमें आपके एडिशनल एक चीज़ें हैं टप क्लीन का। जब भी आपने इसके वॉशिंग मशीन को 1 महीना कंटिन्यू आपने ऑपरेट किया तो क्या हुआ, कुछ डिटर्जेंट हुआ, कुछ पार्टिकल्स क्या होता है ड्रम के अंदर स्टोरेज रहते हैं, तो क्या होता है यूज़ किए 4 महीने 6 महीने के अंदर आपको लगता है ना कपड़े में स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं, उस टाइम पे आपको 1 महीने में आपको ये खाली टप क्लीन यूज़ कर लेना है, ये टप क्लीन। बाकी जैसा आपका ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे यहाँ से ऑन करके आपने प्रोग्राम लिया, इसमें आपको अगर टर्बो वॉश भी एक्टिवेट करना है तो इसी बटन को जब भी हम लोग यहाँ से कुछ टाइम ऐसा प्रेस करेंगे तो इसमें ये आपका टर्बो वॉश एक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट करने के लिए सेम ऐसा प्रेस करेंगे तो हमारा डीएक्टिवेट हो गया। इसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग वेव चाहिए, पावरफुल वॉश चाहिए तो इसी बटन को हम लोग 3 सेकेंड ऐसा प्रेस करेंगे तो आपका ये स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट हो गया। इसके लिए अब आपको ये लगता है कि जैसे नॉर्मल में भी आपको स्टीम चाहिए तो उसको भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे इसमें जो आपका स्टीम एक्टिवेट होगा आपके एलर्जी केयर में होगा और नॉर्मल में होगा। एलर्जी केयर में बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और नॉर्मल में आपको जैसे करना है तो यहाँ से जैसे आप प्रेस करेंगे तब ये एक्टिवेट होगा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। इसमें आपको एडिशनल चाहिए होगा तो यहाँ से ऐड करना होगा। ये तो आपका मेन वॉशिंग का जो प्रोग्राम होता है ये हो जाता है। बाकी इसके साथ ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं कि जैसे पर्टिकुलर आपका नॉर्मल में क्या है कि आपको अपने हिसाब से कुछ मैनिपुलेट करना है कि हमें इसमें वाटर का लेवल कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट करेगा, फिर भी आपको लगता है कि कुछ कम ज़्यादा करना है, यहाँ से आप वाटर का लेवल हो गया, वॉश कितना टाइम चाहिए तो यहाँ पे 5, 10, 15 मिनट का ऐसा स्लैप होता है, जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो होगा जैसे 21 मिनट हो गया, तो ये आपका जो टोटल कंप्लीट टाइम होगा उसी में ये ऐड होता है। 10 मिनट 12 मिनट फिर आपका 14 मिनट हुआ, 17 मिनट 19 मिनट और 19 मिनट के बाद आपका 23 मिनट, अभी इसको अगेन प्रेस करेंगे तो आपका 25 मिनट फिर आपका 20 मिनट, ये आपके हिसाब से ऐसा जो चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, फिर भी आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। रिंस का क्या होता है, अभी ये वन टाइम कर रहा है, कभी आपको लगता है कि कपड़े के अंदर सर्फ लग के आ रहे हैं, रिंस तो करा लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, तो हमें इसमें 2 बार चाहिए कि मतलब 1 बार खंगाले 2 बार खंगालेगा तो साबुन निकल जाएगा, 2 बार भी नहीं है तो आप इसको 3 बार कर सकते हैं। जैसे 3 बार आप करेंगे इसका टाइम आपका वो भी बढ़ जाएगा। इसके बाद आपका स्पिन है, स्पिन में आपका इधर से स्पिन आपका 4 मिनट का है, फिर आप 5 मिनट भी कर सकते हो, आप इसको 6 मिनट भी कर सकते हो और ये 7 मिनट भी कर सकते हो। ये तो आपका स्पिन का अपने हिसाब से कम ज़्यादा किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपने अगर बाय डिफ़ॉल्ट में ऐसा रहेगा जैसे हमने ऑन करके स्टार्ट किया तो अपने हिसाब से ये टाइम का जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक बार क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगा डोर को लॉक करने के बाद, और वो आपको टोटल कैलकुलेट टाइम बता देगा कि जो कपड़े रहेंगे उसके लिए कितना टाइम जाएगा। तो अभी ये जैसा कि आपका ड्रम ये घूम रहा है, ये तो आपका हो गया। बाकी इसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं वो कैसे हैं कि जैसे अब बाकी तो ये आपका हो गया, इधर की ये सारी हो गई, बाकी इसमें कुछ आपके वाईफाई, रिमोट स्टार्ट और शॉक का, ये तीनों चीज़ कैसे आपको ऐड करना है। जैसे आपने नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया, अभी इसमें आपको शॉक एक्टिवेट करना है, जैसे कपड़े को भिगा के रखने वाला, इसी बटन को आपको ऐसा प्रेस करना है, आपने प्रेस किया तो आपका 30 मिनट का शॉक एक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट करना है आपका सेकेंड टाइम 45 मिनट का हो गया, फिर अगेन हमने प्रेस किया 1 घंटे का हो गया, जैसे 1 घंटे आपको भिगा के रखना है, 2 घंटा हो गया, अभी 3 घंटा, अभी जैसे अभी ये दिख रहा है ना, तो जैसे
तो अभी ये बंद हो गया, मतलब मैक्सिमम जो है 3 घंटे तक इसको आप भिगा के रख सकते हो सर। इसके साथ आपका ये एक वाईफाई का है, जैसा आपका यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया डाउनलोड, कुछ इसमें जो फंक्शन आपका नहीं दिया वो उससे अलावा भी आपको कुछ एडिशनल फीचर्स चाहिए जो वॉशिंग का, तो आप यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वाईफाई की बटन को ऐसे कुछ सेकंड आप प्रेस करेंगे तो वाईफाई आपका ब्लिंक कर रहा है। तो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन रहेगा जैसा ए थिंक यू का, उसमें आप डालेंगे तो इसकी डिटेल आएगी, डाल के जैसे आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको रिमोट स्टार्ट की बटन दबाना है। ये बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका रिमोट स्टार्ट जैसे यहाँ पे हम प्रेस करेंगे जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो आपका इसका जो एक्सेस है आपके फ़ोन पे आ जाएगा। जो आपका वॉशिंग प्रोग्राम इसमें मिला है वो तो ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे वॉशिंग प्रोग्राम उसमें हैं जो कि आप इस पर अप्लाई करके वो चला सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ से आपको सबसे जो ये तो आपका जो मतलब सारे जो बटन है उसको कैसे कैसे करना है, आपका जैसे यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है ये आपका स्ट्रॉन्ग वेव का है, ये टर्बो वॉश का है, ये आपका जब भी डोर लॉक होगा तभी डोर लॉक का है, ये आपका रिंस प्लस का है, वाईफाई का है, और ये पोच का है, और ये डिले एंड का है। जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको 4 घंटा 5 घंटा आपका ये फिनिशिंग टाइम रहे, उतना टाइम आप इसको डिले कर सकते हैं। बाकी जो सबसे बेसिक जो रोज़मर्रा आपको यूज़ करना है वो यही है कि आपको ऑन करना है और यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। बाकी इसमें से कुछ आपकी कैटेगरी लगती है तो इसको आप सिलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो ऐसे चलते रहे, हाँ ऐसे चलता रहेगा, और जब भी कंप्लीट हो जाए तभी आपको यहाँ से पानी आपको बंद कर देना है। और जब भी कभी भी है तो मान लो बार प्लग को आपने लगा दिया है तो प्लग को ये सब चीज़ों को छूने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बंद कंप्लीट होने के बाद यहाँ से बंद कर देना है, इसको बंद कर देना है, उसको यहाँ से निकाल लें। नहीं नहीं, इसको रहने दो, अगर आप अभी तो मैं वो करके अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी